आज नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री के रूप में सातवीं बार शपथ ली है। इस दौरान नीतीश कुमार के अलावा 14 और मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें बीजेपी कोटे से 7, जदयू कोटे से 5, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी कोटे से 1-1 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजभवन में मौजूद रहे। नीतीश कुमार के साथ साथ राज्यपाल फागू चौहान ने तारकिशोर प्रसाद रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद कटिहार से विधायक चुने गए हैं, जबकि रेणु देवी बेतिया विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं जाति के आधार पर चुने गए मंत्रियों पर। इनमें दलित, यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत जाति के नेता शामिल है। खास बात यह है कि इसमें पहली बार कोई मुसलमान मंत्री शामिल नहीं है। इसमें शुरुआत बीजेपी से करते हैं, जिसमें पहला नाम वैसे समाज से आने वाले तारकिशोर प्रसाद का आता है। तारकिशोर प्रसाद 1974 में ललित नारायण विश्वविद्यालय से इंटर पास करने के बाद 1980 के दशक से ही राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। वो पहली बार फरवरी 2005 में कटिहार से विधायक बने, इसके बाद अक्टूबर 2005 से लगातार अभी तक विधायक हैं। दूसरा नाम नोनिया समाज से आने वाली रेणु देवी का है। रेणु देवी 2020 का चुनाव जीतकर चौथी बार विधानसभा पहुंची हैं। तीसरा नाम ब्राह्मण जाति से आने वाले मंगल पांडे का आता है, जो कि नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। चौथा नाम आता है दलित जाति से आने वाले रामप्रीत पासवान का, जो कि बिहार के मधुबनी की राजनगर सुरक्षित सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। पांचवा नाम आता है जीवेश कुमार मिश्र का, ये भूमिहार जाति से आते हैं। जीवेश मिश्र दरभंगा जिले के जाले विधानसभा सीट से बीजेपी से विधायक हैं। छठा नाम आता है अमरेंद्र प्रताप सिंह का, ये राजपूत जाति से आते हैं। अमरेंद्र प्रताप सिंह आरा से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। इनकी पहचान सामाजिक कार्यकर्ता और किसान के रूप में होती है। सातवां नाम आता है रामसूरत राय का, ये कुर्मी समाज से आते हैं। रामसूरत राय मुजफ्फरपुर के औराई सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इन्हें पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं जदयू कोटे से आने वाले मंत्रियों पर। इस लिस्ट में पहला नाम विजय चौधरी का आता है, जो कि भूमिहार समाज से आते हैं। सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से जदयू उम्मीदवार विजय कुमार चौधरी ने आरजेडी के अरविंद सहनी को चुनाव हराकर इस बार हैट्रिक लगाई है। विजय चौधरी दलसिंह सराय से कांग्रेस के पूर्व विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी के बेटे हैं। दूसरा नाम आता है यादव जाति से आने वाले विजेंद्र यादव का, जो कि जदयू की टिकट पर सुपौल सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव अपनी राजनीतिक करियर में 8वीं बार विधायक चुने गए हैं। तीसरा नाम आता है पासी जाति से आने वाले अशोक चौधरी का। बिहार जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। चौथा नाम आता है कुशवाहा जाति से आने वाले मेवालाल चौधरी का, ये जदयू की टिकट पर तारापुर सीट से विधायक चुने गए हैं। पांचवा नाम आता है अति पिछड़ा समाज से आने वाली शीला मंडल का, जो कि मधुबनी जिले के फुलपरास विधानसभा सीट से जदयू की टिकट पर चुनाव जीती हैं। इसके अलावा हम पार्टी से संतोष मांझी और वीआईपी से मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। संतोष मांझी मुसहर समाज से आते हैं, तो वहीं मुकेश सहनी मलाह जाति के हैं। बता दें कि नीतीश कैबिनेट में इस बार 2 महिलाओं को शामिल किया गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि नीतीश के मंत्रिमंडल में मुस्लिम को जगह नहीं मिली है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।